कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संसद में हिंदू विरोधी बयान पर काशी में भी आक्रोश है। ऐसे में भाजपा पिछड़ा मोर्चा वर्ग ने वाराणसी में राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर राहुल गांधी के प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। अनूप जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस अनेकों हिंसात्मक कार्रवाई में देश में लिपटी रही है, चाहे वह 84 के दंगे हो या फिर कांग्रेस के कारण हुए भागलपुर के दंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण देश में मौजूद हैं और हिंसात्मक लोगों के साथ देने का निरंतर कार्य कांग्रेस करती रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश में भोपाल गैस कांड होने पर एंडरसन को भगाने का तथा उनकी प्रवृत्ति में है कभी भगवा आतंकवाद कभी हिंदू विवाद। चुनाव के समय यही लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर लोगों से वोट लेने का काम करते हैं। इसके अलावा तुष्टिकरण की राजनीति के लिए कभी लादिन को तो कभी हाफिज को साहब कहकर बुलाते हैं। कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण करती आई है। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू व धन्यवाद शंकर जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजय खन्ना, कमल शर्मा, गोपाल, प्रदीप जायसवाल, प्रदीप चौरसिया, सिद्धनाथ गौड़, अलगू धर्मचंद, दीपू चौरसिया, मनीष चौरसिया, मंगलेश जायसवाल, अनूप गुप्ता, जय किशन जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। हम सब ने गीता मंदिर गेट पर राहुल गांधी का प्रतीक पुतला फूंक करके विरोध प्रकट किया है। उन्होंने सदन के अंदर जिस तरह से हिंदू हिंसावादी होते हैं का शब्द कहा और चुनाव आने पर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके खुद हिंदू बताने लगते हैं, मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, कभी उनकी पार्टी को भगवा में आतंकवाद दिखाई देता है और लादेन के अंदर जी दिखाई देता है, हाफिज के अंदर साहब दिखाई देता है। तो ऐसे तुष्टिकरण करने वाले लोगों को जनता उचित समय आने पर जवाब देगी। आज हमने प्रतीक पुतला फूंक करके उनका विरोध किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।